चिलचिलाती गर्मी में दोस्तों हमेशा हमें कुछ ठंडा खाने का मन होता है। और जो आज मैंने ये मैंगो का डेजर्ट बनाकर तैयार किया है, ये बिल्कुल बहुत ही मस्त बनकर तैयार हुआ है। आप बनाकर ट्राई करना, कैसा बना मुझे कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। जिसको भी आप खिलाओगे वो बिल्कुल तारीफ करेंगे। बनाकर ट्राई करो, चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। शिल्पा की रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो का एक बहुत ही टेस्टी और लाजवाब वाला डेजर्ट। झटपट बनकर तैयार होगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है। बच्चों का ये बिल्कुल फेवरेट है, बनाओगे झटपट खत्म करवा देंगे वो। इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को बना के इस तरीके से जरूर दें। कोई भी गेस्ट आए तो इस तरीके से ये ठंडा ठंडा डेजर्ट बना के दोगे, बहुत खुश हो जाएंगे मेहमान। बना के जरूर से ट्राई करना। मैंगो की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसे बना कर रेडी किया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। कटोरी में बनाइए और कटोरी में आप इसे खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। दोस्तों इस चिलचिलाती गर्मी में मैंगो की ये ठंडी ठंडी रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए बनाना शुरू करें। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप दूध। ये दूध मेरा बॉयल है, आप कच्चा दूध भी यूज कर सकते हो। चलिए फिर हम इसे गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ाते हैं। दूध हमारा हल्का गुनगुना हो चुका है, बहुत ही टेस्टी है डेजर्ट लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। बहुत ही क्रीमी मलाईदार ये लगेगा, आप बना के जरूर ट्राई करना दोस्तों। झटपट बनके रेडी हो जाता है, घर में पड़ी हुई एक दो चीज़ों से ही बनके हम इसे रेडी कर देंगे। इस गुनगुने दूध में से हल्का सा दूध हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, बाकी दूध को बॉयल होने देते हैं। इस गर्म दूध में हम डाल देंगे चीनी, 4 चम्मच चीनी मैं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। साथ में हमारी चीनी घुल जाएगी तो अलग से हमें इसे पीसने की ज़रूरत नहीं होगी, दूध के साथ ही हमारा मिक्स हो जाएगा। दूध को बनने देते हैं। गुनगुना दूध जो हमने निकाला हुआ है इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच और ये 1/2 चम्मच अरारोट का पाउडर। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा ये डेजर्ट बनकर तैयार होता है दोस्तों। अभी आम का सीजन चल रहा है, मार्केट में चारों तरफ आम ही आम दिख रहे हैं। आप इस तरीके से बनाकर ट्राई करो, बहुत ही मज़ेदार बनकर ट्राई होता है। कोई गेस्ट आए तभी आप उसको खिला सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। दूध हमारा अच्छा खासा गुनगुना था तो अच्छी तरीके से हमारा ये जो है ना कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। आपके पास कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट का पाउडर नहीं है तो इसके जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हो। चलिए देखिए हमारा दूध गर्म हुआ या नहीं। दूध हमारा गर्म हो चुका है, उबलने लगा है। इसमें अब डाल देंगे हम अपने जो मैंने मिक्सचर बना के तैयार किया है, धीरे धीरे हम इसमें सारा ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहना है, जल्दी ये ठीक हो जाएगा हमारा। हल्का समय से पका लेना है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा ठीक हो चुका है। इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ा नहीं करें क्योंकि ठंडा होने पड़ी है और गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमें इसमें आम भी ऐड करना है तो उससे और हमारा मिक्सचर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इतनी थिकनेस काफ़ी है तो गैस को हम ऑफ करते हैं।
और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने लिया है 2 आम, कोई भी आम आप यूज कर सकते हो। अभी आम का सीजन है, तरह तरह के आम मिल रहे हैं, कोई भी आम आप इसमें यूज कर सकते हो। आम को काट को हम इसके पल्प को निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है दोस्तों, बना के ज़रूर से ट्राई करना। कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताना। वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। को मैंने काट लिया है, इसके पल्प को निकाल के मैं एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूंगी। झटपट बनके ये रेडी हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगता है खाने में। कुछ बच्चे आम नहीं खाना चाहते, इस तरीके से आप बना कर दो, क्योंकि आम बहुत ही हेल्दी होता है। अब इस तरह से बना कर दो, बहुत ही पसंद से खाएंगे। कटोरी में बनाएंगे, कटोरी में खाएंगे। इस तरीके से सारे पल्प हम इसमें डाल लेते हैं। आम का पल्प सारा मैंने निकाल के जार में डाल लिया है। अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बारीक इसे हम पीस लेंगे। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। आम को हमने पीस के रेडी कर लिया है। अब ये जो हमारा दूध हमने गाढ़ा करके रखा है, ये हमारी राबड़ी, अब इसमें हम धीरे धीरे डाल के इसको भी मिक्स करते जाएंगे। अभी हमारा ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मिक्स करके इसमें चला दूंगी। वापस हम मिक्सी को वापस इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे सारा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपका ये दूध अभी गर्म है तो गर्म दूध को मिक्सी में ना करें, दूध को ठंडा होने के बाद ही मिक्स करें, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करें। अगर दूध ठंडा नहीं हुआ है तो आधे घंटे आप रेस्ट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे बाद आप उसको मिक्स करें। वापस हम इसे मिक्स कर लेते हैं। सारे दूध को अपनी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये थिक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें तो अगर खाना चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन ये हमारा ठंडा ठंडा ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो हम इसे अब करेंगे चिल्ड। ली है मैंने एक कटोरी, कटोरी में अपने बैटर को फिल करेंगे। इसी तरीके से सारी कटोरियों में हम इसे फिल कर लेते हैं। डेजर्ट को मैंने कटोरियों में फिल कर लिया है। अब हम इसे रैप कर देंगे, फॉइल पेपर से इसे रैप कर लें। 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा ये डेजर्ट बनके तैयार होता है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार लगता है, मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। बना के ज़रूर से ट्राई करना। कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताना। वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। इस तरह अपने 4 कटोरियों को मैंने रैप कर लिया है। 2 घंटे के लिए मैं इसे डीप फ्रीजर में स्टोर कर रही हूँ। 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं। फ्रीजर में रखी से 2 घंटे हो चुके हैं, हटा के देखते हैं कब है। वाओ सुपर, मैंगो डेजर्ट हमारे बिल्कुल रेडी है। बस थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि और भी यमी हो जाए और भी ये सुंदर हो जाए देखने में। सबसे पहले मैंने लिया है थोड़े से काजू। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है दोस्तों ये खाने में, बनाकर जरूर ट्राई करना। कैसा लगा मुझे कमेंट पर बताना। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। इसके अलावा मैंने कुछ आम को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम इसमें डेकोरेट कर देते हैं, ताकि हमारा डेजर्ट जो है और भी बढ़िया दिखने में हो जाए। और खाने में तो ये यमी है ही, बहुत मज़ेदार लगता है दोस्तों, बना के ज़रूर से ट्राई करना।
इस तरीके से। हम इसे डेकोरेट कर देंगे, सबको हम डेकोरेट कर लेते हैं। सबको मैंने डेकोरेट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। मेहमान आए, आप बना किस तरीके से खिला सकते हो। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बना के ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।